गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉरेस्ट रिसोर्सेज किए थे और उसके बाद मैंने मटेरियल अपलोड किया था वाटर रिसोर्सेज का, या जिसे जल संसाधन कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके सेक्शन ए में नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो हम कर चुके हैं। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सेकेंड आपका वाटर रिसोर्स है जिसे जल संसाधन कहते हैं। अब जल संसाधन का इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्या उसका परिचय क्या होगा, ये आप सभी लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, जल संसाधन क्या होते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है, ह्यूमन लाइफ में इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और वाटर रिसोर्सेज हमारे लिए कितने, हमारी बेसिक लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो जो वाटर रिसोर्स है या जिसे जल संसाधन कहा जाता है, इसमें अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं उनको कंबाइंडली वाटर रिसोर्स कहा जाता है। अब चाहे वो वाटर, जो वाटर बॉडी है वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे वो आपके गैसेस फॉर्म में हो, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो वाटर है तो वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी जितनी भी आपके अर्थ पे अवेलेबल है वो सारी ही वाटर रिसोर्सेज में काउंटेबल होती है, या वाटर रिसोर्स का मतलब होता है कि अर्थ पे अवेलेबल जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको कंबाइंडली वाटर रिसोर्स या जल संसाधन कहा जाता है। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जल संसाधन को लेकर के। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अर्थ पे 71% क्या है, वाटर है, और अर्थ पे लैंड कितना है, 29% है। मतलब आप देख सकते हो कि अर्थ का जो कंटेन है वो मैक्सिमम वाटर है और लैंड सिर्फ 29% लैंड है। तो आप जितने भी आपके इसमें 71% में जितने भी आपकी ओशनिक बॉडी हैं, जितने भी आपके रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये सब कुछ 71% में आ गया है। तो आप रेशियो देख रहे हो लैंड का और वाटर का कितना, मतलब एक तरीके से डबल से भी ज़्यादा, मतलब जो लैंड अर्थ पे अवेलेबल है उसमें डबल से भी ज़्यादा वाटर अवेलेबल है अर्थ पर। जो 71% वाटर है उसमें से 97% वाटर क्या है, सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर यानी खारा जल है। तो खारा जल या सलाइन वाटर कहाँ होता है, महासागरों में पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो भी वाटर अवेलेबल है उसकी ह्यूज क्वांटिटी यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपके ओशनिक बॉडीज कवर करती हैं, या महासागर कवर करते हैं, या सागर कवर करते हैं। तो महासागरों में और सागरों में पृथ्वी का सबसे अधिक या अर्थ का मैक्सिमम जो वाटर है वो कंटेन रहता है या होल्ड रहता है। आप देख सकते हो 97% जो आपका सलाइन वाटर है, मतलब जो अगर जितनी भी आपके स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, जितनी भी आपकी ओशनिक बॉडी, जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं उसमें से 97% पार्ट किसका है, 97% पार्ट है आपके ओशंस का। इसके बाद में फ्रेश वाटर जो है वो आपका 3% है। मतलब 3% का मतलब हुआ कि आप जो रिवर्स देख रहे हैं, जो स्ट्रीम्स देख रहे हैं, इनमें क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स से आता है, माउंटेन्स से आता है। तो जो फ्रेश वाटर है वो कितना है, मात्र 3%, यानी सिर्फ 3% वाटर है। और उसमें से 0.5% जो है वो लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और एटमोसफेयर में मिलता है। मतलब फ्रेश वाटर का सिर्फ 0.5%। तो आप देख सकते हो कि लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और एटमोसफेयर जो हैं, हम देखते हैं कितनी रिवर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, डेंस रिवर्स हैं, ये कितना वाटर होल्ड करती है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अर्थ पे कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है। और जो भी वाटर मतलब अवेलेबल है, या आप कह सकते हो उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जैसे पूरी जो भी वाटर बॉडीज़ है अर्थ की उनको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं,
जैसे जो भी लैंड है, लैंडमास है, उसको कंबाइंडली लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वाटर हाइड्रोस्फेयर में जो भी वाटर है वो तीन आपकी कैटेगरीज में डिवाइडेड है या तीन टाइप्स का होता है। वन इज़ द सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ इन गैसेस फॉर्म। इन द सॉलिड फॉर्म आपकी जो भी स्नो है, जो भी आइस कवर्ड एरियाज हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सब आपका वाटर रिसोर्सेज सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में आपके रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, आपके वाटरफॉल्स में, जो भी लिक्विड अवेलेबल है, लिक्विड यानी तरल रूप में अवेलेबल है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। द थर्ड वन इज़ गैसेस। गैसेस यानी आपके एटमॉस्फेयर में जो आपकी वाटर वेपर है, जिसे जलवाष्प कहा जाता है, वो गैसेस के रूप में, या उसे कह सकते हैं कि वो एक तरीके से जलवाष्प जो है गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में मिलती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ वाटर बॉडी या इट्स अ पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स। तो आपके जो भी हाइड्रोस्फेयर है वो कंबाइंडिवली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। मतलब अर्थ पे जो भी वाटर अवेलेबल है उसकी तीन ही फॉर्म्स हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज, दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, इट्स अ साइकिल ऑफ थ्री टर्म्स, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, एवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। कंडेंसेशन, पहले कोई सा भी साइकिल देख लो, कोई सा भी टर्म देख लो, एवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन होता है आपके जो भी जलवाष्प बनना, मतलब जो भी आपके वाटर अवेलेबल है सरफेस पे, चाहे वो आपके प्लांट्स में हो, चाहे सरफेस पे हो, चाहे सॉइल पे हो, उसका एवेपोरेशन होना, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है यानी संघनन बनना, संघनन होना, और फिर होता है आपका प्रिसिपिटेशन या वर्षा होना। यानी जब एवेपोरेशन होता है तो भूमि का जल कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है। फिर कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन होकर के वापस से कहाँ जाता है? सतह पर आ जाता है या सरफेस पे आ जाता है, बारिश की या वर्षा के रूप में। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूस चलता रहता है, इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। देख लो, ये एवेपोरेशन ग्राउंड वाटर है, ये रन ऑफ है। एवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और फिर प्रिसिपिटेशन होकर के वापस से वाटर किस पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है, और ये इसी प्रकार चलता रहता है। ये देखिए, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कल हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपका ये भी बात, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वाटर अवेलेबल है वो किस किस फॉर्म में, कितने कितने परसेंट में अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, मतलब उपलब्धता और वितरण के आधार पर, इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, मतलब भूमिगत जल और सतही जल। तो जो भी जल सतह के ऊपर है, यानी भूमि की सतह के ऊपर है, वो क्या है? सरफेस वाटर। जो भूमि की सतह के नीचे है उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर तो आप सबको क्लियर है कि भूमि के नीचे जो भी जल होगा वो अंडरग्राउंड वाटर होगा, बट सरफेस वाटर में क्या होता है? काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे नदियाँ, जैसे ओशियंस, जैसे आपकी स्ट्रीम्स, मतलब है तो सरफेस के ऊपर। तो जो भी सरफेस के ऊपर है उसको सरफेस वाटर कहा जाता है। अब देखिए, ये आपका एक ग्राफ है, ये टोटल ग्लोबल वाटर है, जिसमें से ओशियंस 96% कवर करते हैं। अदर सलाइन वाटर है, कुछ मार्शी लैंड्स में डेवलप हो जाता है, 0.9%, एंड दिस इज़ द फ्रेश वाटर, 2.5%। अब ये फ्रेश वाटर का देखो आप डिस्क्रिप्शन, जो फ्रेश वाटर 2.5 अवेलेबल है परसेंट, उसमें से ग्लेशियर्स और आइस केप्स में 68.7% स्टोर्ड है, यानी जमा है, और ग्राउंड वाटर 30.1 है, और जो अदर सरफेस वाटर है वो है सिर्फ 1.2%। मतलब ये तो है आपका अंडरग्राउंड वाटर, ये है आपका ग्लेशियर्स और आइस केप्स, और ये सब भाग किसके हैं? ये जो फ्रेश वाटर 2.5% आपके अर्थ पे अवेलेबल है उसका डिवाइडेशन है, कि सरफेस पे जो अदर फ्रेश वाटर है वो 1.2%। देखो, अब ये जो सरफेस पे और दूसरा जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से भी परमाफ्रॉस्ट या जो ग्राउंड आइस होती है उसमें 69% स्टोर्ड है, लेक्स जो हैं वो 20% है। अब ऐसे ही सॉइल का मॉइस्चर 3.8% होल्ड करता है,
स्वैम्स और मार्शेस 2.6, रिवर्स सिर्फ 0.49%, लिविंग थिंग्स 0.26% और एटमॉस्फेयर 3%। तो आपको ये डिवाइडेशन समझ में आया कि जो सबसे पहली बात तो जो ग्लोबल वाटर है उसका डिवाइडेशन ये है। फिर ये फ्रेश वाटर का डिवाइडेशन है कि जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 68% तो ग्लेशियर्स में और आइसकेप्स में स्टोर है और बाकी ग्राउंड वाटर में और फ्रेश वाटर में है, यानी सरफेस वाटर में है। और जो सरफेस वाटर पे है उसका भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सभी इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और डेटा बेस में कुछ एक्सेसिव डेटा नहीं है, ईजिली लर्न किया जा सकता है, तो ये डेटा लर्न कर लेना। ये ग्राफ अगर आप लोग बनाते हो या याद रखते हो तो आप कभी भी एग्जाम में अगर आपके वाटर रिसोर्स आता है और आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। अब सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर फ्रेश वाटर अबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो भी सरफेस वाटर वाटर है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये ड्रिंकिंग वाटर है, ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है यानी यातायात में, इरिगेशन की जाती है इससे, सिंचाई की जाती है, एक्वा कल्चर या कल्टिवेशन में यूज़ किया जाता है, पावर फॉर इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर जनरेट की जाती है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ऑल राइट, तो ये आपके वाटर रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन है और इसके बाद हम कल वाली क्लास में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप सभी अपनी एटलिस लेकर के ज़रूर बैठना कल जब भी आप अपनी क्लास अटेंड करो, और ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है इसमें आप अपना ग्राफ ज़रूर रेडी कर लीजिएगा बाय योर ओन। मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको पॉज करके आप अपना ग्राफ रेडी कर सकते हो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग वाटर रिसोर्स कर रहे थे, जल संसाधन। जल संसाधन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट या परिचय वाला भाग कवर कर लिया था। तो वाटर एक क्विक फ्लैशबैक कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्स या जिसे जल संसाधन कहा जाता है, जल संसाधन की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जल संसाधन किस प्रकार से या किस तरह से हमारी बेसिक लाइफ के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल बेसिक नीड है और इसके बिना डेवलपमेंट या विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अर्थ पर कितना वाटर अवेलेबल है, कितना लैंड अवेलेबल है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना लेक्स में है, कितना रिवर्स में है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना सलाइन वाटर है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। जो भी जल संसाधन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सरफेस वाटर रिसोर्स क्या होता है। सरफेस वाटर रिसोर्स जो भी वाटर सरफेस के ऊपर अवेलेबल है उसको सरफेस वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर को अगर अपन देखें तो वैसे तो जो भी आपके ओशियंस हैं, जितने भी आपके रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये सभी किसके ऊपर आते हैं? सरफेस के ऊपर आते हैं। अगर सरफेस वाटर को डिवाइड किया जाए तो एक तरीके से ओशनिक वाटर बॉडीज़ में भी इसमें इंक्लूड होती है, या फिर आप ओशनिक बॉडी वाटर बॉडीज़ को अलग से भी वाटर बॉडीज़ में काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सरफेस के ऊपर अवेलेबल है वाटर या जो भी जल संसाधन सतह के ऊपर हैं, मौजूद हैं, उन्हें सतही जल या सरफेस वाटर कहा जाता है। ये सरफेस वाटर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, एक्वा कल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। अब सरफेस वाटर में आपको क्या करना है, पहले अपन ओशंस की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है उसमें 60% लैंड है और 40% वाटर है। ठीक है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिण गोलार्ध में 81% वाटर है और 19% लैंड मास है। इसका मतलब कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपके दक्षिण गोलार्ध में वाटर प्रोपोर्शन जो है वो लैंड के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, जबकि वाटर प्रोपोर्शन जो है वो मैक्सिमम है 81%, लैंड मास तो सिर्फ 19% है। अर्थ का
46.91% जो वाटर है वो पैसिफिक ओशन में ही आता है या प्रशांत महासागर में आता है, इसलिए प्रशांत महासागर को विश्व का या वो अर्थ का सबसे बड़ा महासागर या द बिगेस्ट ओशन कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अटलांटिक ओशन, 23.38% जो पार्ट है अर्थ के वाटर का वो कंटेन करता है अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडियन ओशन जो 20.87% पार्ट कवर करता है या जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन तीन ओशंस के बेसिक फीचर्स अपनी एटलस में और अपने बुक में से देखने हैं, उनको मार्क करना है कि पैसिफिक ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सदर्न हेमिस्फेयर में किस प्रकार से है, कितना वाटर वो कंटेन करता है, वहाँ पे कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं, कौन कौन सी मेजर गल्फ्स हैं, ये आपको इसमें नोट करना है। सेम विद द अटलांटिक ओशन एंड सेम विद द इंडियन ओशन कि मेजर मेजर कौन कौन सी गल्फ्स हैं, मेजर कौन कौन से इनलैंड सीज हैं, यानी आपके आंतरिक सागर कौन कौन से हैं वो आपको नोट करना है, गल्फ्स कौन कौन सी हैं वो आपको नोट करना है। आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कि पैसिफिक ओशन में ये इनलैंड सीज हैं, ये आइलैंड्स हैं और ये गल्फ्स हैं, मेजर मेजर ये कैनाल्स हैं, कैनाल्स के बारे में हम और भी बात करेंगे, तो ये आपको काम करना है। सेकंड, जब हम सरफेस वाटर की बात करते हैं तो एक काम आप लोगों को और करना है कि वर्ल्ड की मेजर रिवर्स या प्रमुख नदियाँ या जो भी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, ओरिनिको रिवर हो गया, अफ्रीका में ऑरेंज रिवर हो गया और आपके कॉन्गो रिवर हो गई, आपके एशिया की मेजर रिवर्स हो गई हैं, उसके अलावा आपके नॉर्थ अमेरिका की मेजर रिवर्स हो गई है, मिसिसिपी रिवर हो गई हैं, और भी मेजर जो रिवर्स हैं, आपको कॉन्टिनेंट वाइज नदियों के नाम लिखने हैं। जैसे एशिया की, सबसे पहले एशिया की प्रमुख नदियाँ लिख सकते हो आप, क्योंकि ये वाटर रिसोर्स जो है उसमें हमें मेजर मेजर वाटर बॉडीज का पता होना चाहिए। तो जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं वो वर्ल्ड की मैक्सिमम मतलब वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉपुलर या वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो बहुत बड़ा वाटर पार्ट कवर करती हैं, इसलिए आपको वर्ल्ड की जितने भी मेजर नदियां हैं उनको मार्क करना है अपनी एटलिस में और लिखना है कि वो नदियां कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, या तो आप बेस्ट अपने कॉन्टिनेंट के हिसाब से उनको डिवाइड कर लें। फिर मेजर लेक्स यानी प्रमुख झीलें, एशिया की प्रमुख झील, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झील, साउथ अमेरिका की प्रमुख झील, अफ्रीका की प्रमुख झील, यूरोप की प्रमुख झील, ये आपको नोट करना है अपनी एटलिस में से देख करके। इसके बाद आपके आती है कैनाल्स। कैनाल्स में आपको मेजर जो है आपकी, जैसे स्वेज कैनाल हो गई, आपके पनामा कैनाल हो गई, आपके इंदिरा गांधी कैनाल हो गई, जो मेजर परियोजनाएं हैं उनको भी आपको मार्क करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो आज आपको क्या करना है, आप अपनी ओशियंस के फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। फीचर्स में मैंने आपको बता दिया है, गल्फ्स हो गई, बेज हो गए, इनलैंड सीज हो गए, या फिर आपके ओशनिक फीचर्स जो हैं आपको उनको नोट करना है। फिर आपके मेजर रिवर्स हो गए, कॉन्टिनेंट वाइज आप नदियों के नाम लिखेंगे, वो नदियाँ कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, कौन से देश में हैं वो आपको लिखना है। मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं वो लेक्स, बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड लेक्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। मेजर कैनाल्स जो हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके सरफेस वाटर का पार्ट कवर हो जाएगा, जिसमें हमें ओशियंस अलग से सेपरेटली, रिवर्स, मेजर लेक्स और मेजर कैनाल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये काम आप लोग आज अपनी अपनी, आपके पास में अगर बुक्स हैं तो बुक्स से करेंगे या फिर आप अपनी एटलिस में से देख करके इन सबको नोट डाउन करेंगे, कवर करेंगे। आपको ये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्राउंड वाटर करेंगे या अंडरग्राउंड वाटर करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर करने के बाद में हम फिर वापस से सरफेस वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, अंडरग्राउंड वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसे कंजर्वेशन या संरक्षण कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो आज आप लोगों का ये काम है, आप लोगों को ये काम आज कंप्लीट करना है। थैंक यू।